अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फैंसी ड्रेसेस पार्ट वन। आज मैं आप लोग को कुछ अपने फैंसी ड्रेसेस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने काम कहाँ से करवाया, किस तरह करवाया, कौन सा कपड़ा इस्तेमाल किया और कितने कपड़े लेने चाहिए शादी के लिए और कितने कपड़े नहीं लेने चाहिए। सबसे बड़ी गलती इंसान ये करता है कि जब शादी होने लगती है ना तो इंसान कहता है ए भी ले लो तो वो भी ले लो तो ओ तो ले ही लो ना। इस तरह नहीं करना, लिमिटेड ड्रेस रखो अपने फैंसी और जितने बनाओ ज़बरदस्त बनाओ। ये ना करो कि जैसे शर्ट ले ली, जैसे ट्राउजर ले लिया, पसंद आया जैसे दुपट्टा ले लिया। नहीं, इस तरह नहीं करने। थोड़े ड्रेसेस बनाओ लेकिन कंप्लीट बनाओ और बेहतरीन बनाओ। फिर दूसरी बात आ जाती है, कुछ लड़कियाँ पूछती हैं आप ही ट्रेंड कौन सा आजकल चल रहा है। देखो भाई, जो तुम लोगों ने पहन लेना ना, जो आप लोग के ऊपर सूट कर रहा है वो ट्रेंड है। ये नहीं करना कि लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं तो हमने लॉन्ग ही पहननी है। मेरी हाइट छोटी है, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं पहन सकती जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल लॉन्ग शर्ट, मैं तो बहुत ही टेट्रा पैक लगूंगी भी ठीक है ना। मुझे होता है कि मैं घुटनों तक अपनी शर्ट पहनूं ताकि मेरी हाइट बैलेंस हो जाए। इसलिए जो इंसान के ऊपर सूट करे, जो इंसान पहन लेता है वही ट्रेंड होता है और वही फैशन में होता है। इसलिए ये नहीं करना कि ट्रेंड के पीछे भागना है। जो आप पे अच्छा लग रहा है, जो आपने पहन लिया है वो ब्रांड हो गया और जो आपने कर लिया वो ट्रेंड हो गया। ठीक है जी, अब ड्रेस देखते हैं, ड्रेस नंबर वन की बारी। हाँ जी, तो जनाब अब आती है ड्रेस नंबर वन की बारी। ड्रेस नंबर वन, मैंने ये जो नेट है ये लोकल शॉप से आपको नेट मिल जाएगी, कहीं से भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपने फ्रॉक बनवाने के लिए आपको दो शर्ट्स का मटेरियल चाहिए होगा। दो शर्ट्स का कपड़ा होगा तो आपका खुला डुल्ला फ्लेयर वाला फ्रॉक बनेगा, वरना आप लोग का नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाजू काफ़ी खुले मैंने रखवाए हैं तो इससे बड़ी अच्छी सी लुक आती है। अच्छा, उसके बाद मैंने फ्रॉक बनवा लिया। उसके बाद इसके नीचे स्लिप है क्योंकि ये नेट है, स्लिप बनवा लेनी है। स्लिप मैंने लिलन की बनवाई है ताकि थोड़ी सी फॉल वाला कपड़ा रहे, बारीक लिलन जो होती है ना उसकी स्लिप। अच्छा जी, उसके बाद इसके ट्राउजर की बारी आ जाती है। ट्राउजर ऊपर से सारा प्लेन है, उसके बाद नीचे इसके इस तरह के ग्रीन कलर के कंट्रास्ट के साथ, जिस तरह मैंने गले के ऊपर बीड्स लगाए हैं इसी तरह ही मैंने ट्राउजर के ऊपर बीड्स लगा के नीचे डाल दी है नेट ताकि थोड़ा सा डिफाइन हो जाए। और इसके साथ दुपट्टा मैं ग्रीन भी कभी ले लेती हूँ, कभी पिंक ले लेती हूँ। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह का दुपट्टा लेना है, लेकिन ग्रीन ज़्यादा उठता है, ज़्यादा खिलता है। ये मेरे बीड्स जहाँ से मिलते होती हैं लैसे, वहाँ से, ये बीड्स की शॉप भी थी तो वहाँ से मैंने ये ग्रीन ली है और ये सिल्वर ली है। इस तरह इसकी नेक लाइन बना दी है। ठीक है, पीछे से ये प्लेन है। अब इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए। हाँ जी, तो जनाब ये ड्रेस नंबर वन है। इसके जो ये वाले बाजू है ना, ये 22 इंच है, मतलब इनका इधर से लेके इस साइड से लेके इस साइड तक मैंने इसको इंच टेप से नापा है, ये 22 इंच है। गले के ऊपर ये स्टोन्स लगे हुए हैं, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद ये नेट है, ठीक है, इस तरह की। इसके नीचे स्लिप है। इसका ट्राउज़र जो है उसके ऊपर इस तरह के स्टोन्स लगवा दिए और नेट का काम है। आपकी मर्ज़ी, आपने स्टोन कितना रखना है, इतने रखे हैं या इतने रखे हैं पूरे ट्राउज़र पे रखे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, इस ड्रेस की अब ओवरलुक देख लीजिए। हाँ जी, तो जनाब ये पिंक ड्रेस मैंने पहन लिया है। इसके साथ मैंने ग्रीन कलर के ये छोटे से टॉप्स पहने हैं, ग्रीन रिंग पहनी है, ये पिंक रिंग पहनी है। अब इसका ओवरलुक देख लीजिए, ये इस तरह के इसके बाजू हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ट्राउज़र, ठीक है जी। हाँ जी, तो जनाब अब आती है ड्रेस नंबर टू की बारी। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने ज़्यादा फैंसी, ज़्यादा भरे हुए कपड़े आम रूटीन के लिए नहीं बनवाने। जिस तरह ये मैंने आपको पहला ड्रेस दिखाया था, वो आप किसी भी पार्टी में पहन सकते हैं, शादी की दावत में पहन सकते हैं, चाय पीने जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, पहन सकते हैं। ज़्यादा फैंसी, ज़्यादा हैवी, ज़्यादा ज्वेलरी से आप लोग की एज बड़ी लगनी शुरू हो जाती है। हमने एज अपनी नहीं शो करनी, ठीक है जी। उसके बाद ये आती है ड्रेस नंबर टू की बारी। ड्रेस नंबर टू है ब्लू कलर का, ठीक है जी। इसके इस तरह के बाजू हैं, ये इसको टिशू कहते हैं, टिशू लगा हुआ है। ये यहाँ से इसकी नॉट होती है, ये भी नेट है। ये अभी आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर इस तरह की नहीं मिलती, कुछ और किसी और डिज़ाइन की मिल जाएगी तो आपने नेट ले लेनी है। उसके बाद ये काम करवा लें। आज कल क्या हो चला हुआ है कि मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पर वो पड़े हुए हैं, पैचेस पड़े हुए हैं, इतने फैंसी फैंसी, इतने अच्छे। जो काम ये 7 से 8 हज़ार का होगा, आप लोग का काम 2 हज़ार रुपये में गुजारा हो जाएगा, बहुत अच्छा। क्योंकि पैचेस पड़े हुए हैं, आप अगर 2 पैचेस लेके यहाँ लगा दें उनसे भी गुजारा हो जाएगा। काम करवाने आप लोग काम करवा लें। इस तरह का काम हुआ हुआ है, मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगी, तब आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये इसकी शर्ट है, नीचे सारी प्लेन। उसके बाद नीचे दोबारा टिशू की ये डिज़ाइनिंग करवाई हुई है
और ये प्लेन है पीछे से। देखिए इतने डिसेंट डिसेंट कपड़े सिलवाने हैं ताकि ग्रेसफुल भी लगे, एज भी ज़्यादा ना लगे और शादीशुदा भी लगे, ठीक है जी। उसके बाद इसका ये ट्राउज़र है, इसके साथ मैंने पेपलम सिलवाया है, इसके ऊपर छोटे से स्टोन्स लगाए हैं। पहले लगवाया है, एक लगा हुआ है पर्ल लगा हुआ है और एक स्टोन लगा हुआ है, एक पर्ल और एक स्टोन, एक पर्ल सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, ऊपर से ये प्लेन है। उसके बाद इसका दुपट्टा भी सेम कलर का है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है, सिल्वर है और ब्लू है, तो दुपट्टा भी इसी कलर का सेम करके बस इसके इधर यूं करके पाइपिंग करवाई हुई है, ठीक है। ये एक सूट कंप्लीट हो गया जी, अब इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए। अच्छा जी, तो ड्रेस नंबर 2 ये है, इसके यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, एम्ब्रॉयडरी की जिससे स्क्रीनशॉट लेना है वो इस तरह ले सकता है, इस तरह अब ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। ये कपड़ा है टिश्यू का, टिश्यू आगे लगवाई हुई है और टिश्यू के ऊपर ये छोटे छोटे मोती लगवाए हैं और यहाँ पे नॉट है, ये आपकी मर्ज़ी आपने लगवानी है। बाकी ये नेट का कपड़ा है, इसके नीचे स्लिप है, ठीक है, और ये नीचे से इस तरह का है, क्लियर दिखाती हूँ ये चीज़, ठीक है जी। अब इसकी ओवरलुक देख लीजिए, इसका ट्राउज़र भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ट्राउज़र बेल बॉटम सिलवाया है और छोटे छोटे मोती लगवा दिए हैं ताकि थोड़ा सा डिज़ाइनर सूट लगे, ठीक है जी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये तो आप ख़ुद भी सिलवा के मोती शोती ला के घर में करवा सकते हैं काम। हाँ जी जनाब, तो अब मैंने ये ब्लू ड्रेस पहन लिया है, इसके साथ ही मैंने सिल्वर रिंग पहनी है और सिल्वर ये बड़े से झुमके टाइप या इयररिंग्स पहन लिए हैं। ये ड्रेस की ओवरलुक देख लीजिए, अच्छा जी। उसके बाद बारी आती है फुल वाइट ड्रेस की, आप लोग पास एक तो फुल वाइट ड्रेस लाजमी होना चाहिए, एक फुल ब्लैक ड्रेस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के ऊपर कुछ सूट नहीं कर रहा होता तो काला ड्रेस काम आ जाता है। जब इंसान को हो के ना इनके घर क्या पहन के जाया जाए तो डिसेंट भी लगे और सोबर भी लगे, तो वाइट ड्रेस काम आ जाता है, ठीक है। इसलिए 2 ड्रेस ऐसे लगवाने हैं जो पूरे काले हों, जो पूरे वाइट हों। मेरे पास ये फुल वाइट ड्रेस है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये नेट है, ये भी इसी तरह की नेट ली हुई है, इसके नीचे स्लिप लगवा के इसको डबल करवाया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके इस तरह के फ्रिल वाले बाजू हैं, ये थोड़ा सा कपड़ा चमकीला चमकीला सा है, ये आपको डिटेल वीडियो में सही पता चलेगा। उसके बाद इसके ऊपर पूरे के ऊपर बीड्स लगवा दिए, वी बनवा के बीड्स, ठीक है ना, बॉक्सेस में पूरी शर्ट के ऊपर। उसके बाद इसका दामन आ जाता है जो नीचे इसके स्लिट्स बंद हैं बिल्कुल, और ये दामन के ऊपर काम हुआ हुआ है, आप लोग काम करवा लें। लेसेस आजकल बहुत अच्छी अच्छी चल रही है, लेसेस लगवा लें, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी कि इसके ऊपर वाइट के ऊपर आप प्यारा सा कोई काम करवा लें, या लेसेस मिलती होती हैं काम के बगैर, लेसेस लेके उसके ऊपर अगर काम करवा लिया जाए तो बहुत ही बेस्ट है। मैंने एक सूट सिलने दिया हुआ है, लेसेस लेके ऊपर काम करवाने, जैसे ही वो आएगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए इस तरह की लेसेस आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, इतने चौड़े चौड़े पैचेस। अगर पैचेस को शर्ट के ऊपर अटैच करवा के इधर और इधर काम करवा लिया जाए, और ये तो इंसान खुद ही बैठा घंटे में लग जाते हैं, घंटे में लगा लिया जाए, ये एक सूट रेडी हो जाता है। उसके बाद जी इसके ट्राउज़र की बारी आ गई है, ट्राउज़र के ऊपर टिशू लगवा के आगे पीछे, इसके ऊपर भी एक स्टोन लगाया है और एक पर्ल लगाया है, ठीक है। ये वाइट ड्रेस हो गया, और इसका दुपट्टा जो बाजू के आगे फ्रिल लगवाई थी उसको यहाँ पे अटैच करवा दिया है, और ये बाकी ये शिफॉन का दुपट्टा है, ठीक है जी। अब इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए। अब तो ये ड्रेस नंबर 3 है, ड्रेस थोड़ा सा टूंडा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये सिंपल कपड़ा है जो हर जगह से मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऊपर आपको इधर छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, ये मोती लगा लें। ये थोड़ा सा फैंसी सा कपड़ा है, अपनी अम्मियों को दिखाएं, आपकी अम्मियाँ बता देंगी ये कौन सा कपड़ा है, क्योंकि इसका मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। और नीचे ये काम हुआ हुआ है, आप लोग लेस लेके अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस तरह की लेसेस हर जगह पड़ी हुई हैं, आप लेसेस लें और किसी को कहें कि जो कढ़ाई वाला है इस तरह अटैच कर दे ऊपर नीचे कढ़ाई करके, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, ठीक है जी। ये पूरा है, इसके कोई स्लिट्स नहीं है, बंद है, इसके इस तरह के बाजू हैं, ठीक है। ट्राउज़र के ऊपर ये मैंने टिश्यू लगवा के ऊपर एक स्टोन लगवाया है और एक मोती लगवाया है,
आप चाहें तो टिश्यू यूज़ जो नहीं करते वो ना करें, सिंपल कपड़ा यहाँ पे टिश्यू, वो मोती और सितारे सितारे जो भी है लगा सकते हैं। इसकी अब ओवरलुक देख लीजिए। हाँ जी, तो जनाब अब मैं कपड़े बदल बदल के उजड़ पुजड़ गई हूँ। ये मैंने इनके साथ मल्टी कलर्स के झुमके पेयर अप किए हैं, ये ब्लैक रिंग पेयर अप की है, और ये ओवरलुक आप देख लीजिए। ये बाजू, इसके इस तरह के बाजू बहुत अच्छे लगते हैं न्यूली ब्राइड को, तो बहुत ही अच्छी लुक आती है छोटी छोटी सी। अच्छा जी, उसके बाद ड्रेस आता है मैरूनिश रेड सा। हम लोगों ने इस तरह का रेड सिलवाना है जो अच्छा लगे आंखों को, चुभे ना, ना के खट्टा वाला रेड हो ना के बहुत डार्क वाला रेड हो, उसके दरमियान में एक टोन आती है ये वाली। ठीक है जी, ये हमने कपड़ा लेके इसके सिर्फ गले पे काम करवाया मैंने और कुछ भी नहीं किया। ये गले पे आपको डिटेल वीडियो में दिख जाएगा। उसके बाद ये प्लेन बाजू हैं, ठीक है, और ये शर्ट के ऊपर सिर्फ छोटा छोटा ये तारी लगवाई है, सिर्फ पूरी शर्ट के ऊपर और कुछ भी नहीं करवाया। पीछे से भी प्लेन है, और कलर ब्रेक करने के लिए, कलर ब्रेकिंग करना किसी किसी ड्रेस के अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फुल रेड, देखिए इसका दुपट्टा भी रहा इसी कलर का है प्लेन शिफॉन का, अगर फुल रेड हो जाता है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है। अगर आपने फुल रेड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका कलर ब्रेकेज की है इस ब्लॉक प्रिंट के ट्राउज़र के साथ। ये मैंने खाड़ी से लिया था, मुझे 2000 रुपीज़ का मिल गया था, तो मैंने इसके साथ ये कम्बिनेशन करवा लिया था, वरना ब्लॉक प्रिंट के इतने ज़्यादा प्रिंट्स आए हुए हैं, आप लोग लेके अपना ट्राउज़र बनवा सकते हैं, सिंपल कैप्री टाइप ट्राउज़र। ठीक है जी, अब इसकी जी डिटेल वीडियो देख लीजिए। अच्छा जी, अब इस ड्रेस की बारी आती है जिससे इसकी कढ़ाई का स्क्रीनशॉट लेना है, वो इस तरह ले लें। ये मोती का काम है, तिल्ले का काम है और डोरी का काम है, ठीक है। इस तरह ही इसके यहाँ पे तारा लगा हुआ है, आप दुकान वाले कहेंगे छोटा छोटा तारा, सितारा या तारा दे दें, वो आपको दे देंगे। बाजू इसके प्लेन है बिल्कुल, आगे से इस तरह चुन्नट है इलास्टिक डाल के, ठीक है। यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, और ये इसका ट्राउज़र है जामावार का, नहीं जामावार नहीं है, ये है ब्लॉक प्रिंट का। ठीक है जी, दोबारा मैं आपको ओवरलुक दिखा देती हूँ, ये ड्रेस की ओवरलुक है। अच्छा जी, तो ये मैंने ड्रेस पहन लिया है, इसके साथ मैंने रिंग पहनी है सिर्फ, और कानों के ऊपर ये झुमके पहने हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि नेक लाइन बनी हुई थी, नेकलेस नहीं पहनना, और सूट थोड़ा सिंपल सा है, एलिगेंट सा है, तो चूड़ियाँ चूड़ियाँ भी नहीं पहननी ताकि लुक हमारी छोटी लगे, ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट ड्रेस है ना वो थोड़ा हैवी किस्म का है, जब आपने किसी के बारात पे जाना है शादी के बाद, को फौरन ही कोई किसी की शादी आ जाती है कजन्स वगैरह की, तो ये मैंने उसके लिए बनवाया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको डिटेल वीडियो में समझ लगेगी। ये इसका अपर है शर्ट का, ठीक है, ये इसकी अपर है, उसके बाद पहले इसकी ये शर्ट है, ठीक है। इसके यहाँ पे काम हुआ हुआ है, बाजू शिफॉन के हैं, बाजू के इधर काम हुआ हुआ है, उसके बाद नीचे से प्लेन है, क्योंकि वो इसका जो अपर है काफ़ी फैंसी है, आगे से पहले हमने शर्ट पहनी उसके ऊपर इसका अपर पहनना है, ताकि वो जो पूरा नेक लाइन है ना वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये है कोई पर्पलिश ग्रे सा कलर है, मुझे इस कलर का नाम नहीं पता लेकिन है बहुत प्यारा। उसके बाद रेड दुपट्टे के साथ मैंने इसका कंट्रास्ट किया है, और इसके यहाँ पे जामावार लगवाई है दुपट्टे के इर्द गिर्द, इसका इसी कलर की जिस कलर का ये सूट है, ताकि ज़रा थोड़ा सा खिल के आए। और इसका ट्राउज़र ऐसा बनवाया है, दरमियान में नेट लगवा के उसी का कपड़ा सेम, बस सिंपल, दैट्स इट। अब इसकी जी डिटेल वीडियो देख लीजिए ताकि आपको डिटेल में समझ लग जाए, ठीक है जी। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो फैंसी ड्रेस है ना वो ये वाला है, जो कि बहुत ही कमाल कम्बिनेशन है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये इसकी नेक लाइन इस तरह की बनी हुई है मोतियों के साथ, ठीक है। उसके बाद ये शर्ट पे सारा काम हुआ हुआ है, मैं आपको काम ज़रा डिटेल में दिखा देती हूँ ताकि जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। ये टोटल सारा सूट बना था 28,000 का, ठीक है। इसकी कढ़ाई देखें, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी की हुई है, रेड फूल है, तो रेड कम्बिनेशन के साथ ही। फिर मैंने इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें, या आप लोग इस तरह ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक लाइन आपको नज़र आ रही है, फिर साइड पे काम हुआ हुआ है, फिर दरमियान में बेल है प्रॉपर। अब इसके नीचे वाली शर्ट की बात मैं आपको मैं दिखाती हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
जी, तो इसके नीचे वाली शर्ट इस तरह की है, यहाँ पे नेट लगवाई हुई है, जिन्होंने जो नेट के साथ कंफर्टेबल नहीं है वो लोग यहाँ पे शिफॉन ही लगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे काम है, ये काम जो इसका कट वर्क था यहाँ आएगा, ये वाली चीज़ हमारी फ्रंट पे नज़र आएगी, ठीक है, सामने से। और ये इसके बाजू हैं, बाजू के नीचे रेड कपड़ा लगवाया हुआ है जामावार का, प्लेन नहीं लगवाना, जामावार यूज़ की है। और ये नीचे से शर्ट प्लेन है क्योंकि ऊपर वाला इसका बहुत फैंसी है, तो ये ऊपर शो होगी नेक लाइन के, और बाकी ये सारा प्लेन है। इसका दुपट्टा ये रेड है, इसको इस कंट्रास्ट के साथ जामावार लगाई है क्योंकि ये इस कंट्रास्ट का था, और दुपट्टा रेड रख के इस कंट्रास्ट का जामावार लगवाई है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है ट्राउज़र की बारी। ट्राउज़र प्लेन है, सिर्फ यहाँ पर दरमियान में नेट लगवा लें, टिश्यू लगवा लें, वो आप लोग की मर्ज़ी है, और ये कैप्री है, ठीक है जी। अब इसका आप लोग ओवरलुक देख लीजिए। हाँ जी जनाब, तो मैंने लास्ट ड्रेस पहन लिया है, इसके साथ मैंने पेयर अप किया है वन स्टोन रेड के साथ, और ये रिंग पहनी है, और ये ड्रेस का ओवरलुक है। कपड़े ला पा के ना मेरी मत बच गई है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब अगर किसी ने लाइक ना ना किया वीडियो, मेरी आंखों में देख के बोलो हाँ जी हाँ जी आपसे बात कर रही है, तो मैंने आपके घर आके ना लाइक का बटन दबाने आ जाना, फिर आपको को मुझे चाय भी पिलानी पड़नी है, साथ मुझे कुछ खिलाना भी पड़ना है, इससे अच्छा लाइक का बटन पहले ही दबा दो, ठीक है जी। उम्मीद है जी आज की वीडियो से आप लोग के थोड़े से मसले हल हो गए होंगे, डिज़ाइन मिल गए होंगे। आप लोगों ने कपड़े ना ज़्यादा फैंसी नहीं सिलवाने, क्योंकि कपड़े नए रह जाते हैं, दुल्हन हो जाती है पुरानी, फिर कपड़े धुलने वाले होते हैं, दुल्हन पुरानी हो जाती है, फिर इतने फैंसी कपड़े पहने नहीं जाते हैं, ठीक है जी। एलिगेंट कपड़े रखें, थोड़े कपड़े बनवाएं, ज़बरदस्त कपड़े बनवाएं, अच्छे कंट्रास्ट होने चाहिए, कट्स अच्छे होने चाहिए, अंदर जामावार की पाइपिंग शाइपिंग करवाएं, बटन शटन्स लगवाएं, तारे मोते हीरे जो भी लगवाने लगवाएं, लेकिन एलिगेंट लुक रखें। ये नहीं देखना कि ये आप पे सूट ट्रेंड में लॉन्ग शर्ट आप पे सूट नहीं करती तो आपने बनवा लेनी है, इद्दा नहीं करना पहनो, जो आप लोग ने पहन लेना है वही फैशन है और वही ब्रांड है, ठीक है जी। ये सोच के अगर कपड़ा पहनेंगे ना तो आप लोग पे हमेशा अच्छा लगेगा, किसी को देख के अगर देखें बॉडी टाइप पे बहुत करता है। अब मेरी थोड़े सा बल्की बल्की सा मुंह है, तो अगर मैं फ्रॉक बड़े बड़े पहन लूँगी ना मैं तो भैंस लगूंगी, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ स्ट्रेट शर्ट्स पहनूँ ज़्यादा, और हल्के से फ्रॉक हो तो उसकी बॉडी थोड़ी लॉन्ग हो। अपने हिसाब से कपड़ों को मोल्ड शोल्ड करना सीखो, हर किसी पे कपड़ा अच्छा लगता है, हर कोई प्यारा है, हर कोई हसीन है, ठीक है जी। बस उसको थोड़ा सा टेक्निक आजमाने की ज़रूरत होती है कि क्या चीज़ उस पर अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है, ये जनाब सब आपको खुद ही देखना है क्या चीज़ आप पे अच्छी लगती है। ओके जी, वीडियो देखने का बहुत 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 शुक्रिया, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान, आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।